और चलिए चुनाव की बात में बात करेंगे हरियाणा लोकहित पार्टी की। पार्टी के सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। सफल जन आशीर्वाद यात्रा के बाद गोपाल कांडा ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि सिरसा की नजदीकी सीटों पर हलोपा चुनाव लड़ेगी और साथ ही सीटों का जल्द ही खुलासा करने की बात भी उन्होंने कही। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा लोकहित पार्टी चुनाव को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पार्टी के सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा अपने चुनावी अभियान का आगाज कर चुके हैं। 1 सितंबर को चुनावी शंखनाद किया। सिरसा शहर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। इस यात्रा के जरिए हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया और जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान शहर के लोगों का जो समर्थन उन्हें मिला उसे देखते हुए सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने बड़ा दावा किया है। न सिर्फ शहर के लोगों का आभार जताया बल्कि उन्होंने कहा कि सिरसा की नजदीकी सीटों पर हलोपा चुनाव लड़ेगी और साथ ही सीटों का जल्द खुलासा किया जाएगा। हमने मांगी है सीटें उनसे, तो उन्होंने हमें कुछ ऑफर भी किए है। कुछ सीटें यहाँ से बहुत दूर ऑफर किए हैं, तो वो हमने उनको मना कर दिया कि मेवाड़ साइड में हम नहीं जाएंगे। यहाँ के आसपास की जो भी मिलेगी, हमारी हरियाणा लोकहित पार्टी आज भी एनडीए में है, उसके नाते जो हमें सीट मिलेगी हम उस पे और आसपास की सभी सीटें, जब पार्टनरशिप है तो सब जगह ही है, जहाँ भी होगा हम पूरी मदद करके सरकार की हैट्रिक लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इस मौके पर हलोपा सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने अपने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहाँ से विधायक 20-20 साल सरकार में मंत्री रहे लेकिन कोई काम नहीं हुआ और अपने कार्यकाल की उपलब्धियाँ भी उन्होंने बताई। विकास के लिहाज से देखो, सिरसा में पहले भी हमारे यहाँ मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनके वक्त में क्या हुआ है ये सिरसा वासियों से कोई छुपा नहीं है। मैं किसी का नाम लेके बोलूं कि उनके 15-20 साल में सिरसा ने क्या किया, क्या तरक्की की, वो सरकारों के साथ थे। जो आज बात करते हैं कि सरकार में कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, सब सरकारों के साथ रहे हैं, सरकारें रही हैं उनकी, पर सिरसा के लिए क्या किया किसी ने बताओ। साथ ही सिरसा विधायक और हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कहा कि हमने काम और ज्यादा करके दिखाया है अपना, एक क्योंकि मैंने पहले जो कहा वो मैंने किया है, उससे ज्यादा सरकार से कुछ काम होगा। हम अपने घोषणा पत्र में जो बात कहेंगे वो हमें पूरी करनी है, वो हम सरकार से कराएं या हम खुद करें वो हम कर देंगे। अपने सिरसावासियों से एक परिवार की तरह हमारा रिश्ता है। इतना ही नहीं, सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने दावा किया कि उन्होंने 40 साल पुरानी समस्याओं का भी समाधान करने का काम किया है। आज 40 साल पुराना मसला था ऑटो मार्केट का, एक मुख्यमंत्री एक आम व्यक्ति की तरह, एक ऑफिसर की तरह आके बीच में बैठ के 5 आदमियों के, और वो काम करके जाता है। हजारों हजारों लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हुए थे ट्रांसफरें के बाद, ट्रांसफरें आगे से आगे आगे से आगे, सब परेशान थे, सब दुकानदार भाई, सब बिजनेसमैन कितने दुखी थे, और अब मुख्यमंत्री जी की कलम से करवा के और वो पूरा हो गया। सिरसा विधायक और हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा सिरसा में चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सिरसा के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और अब सिरसा के आसपास की सीटों पर हलोपा सुप्रीमो ने उम्मीदवार उतारने की बात कही है। हालांकि देखना होगा कि सिरसा के साथ साथ किन किन सीटों पर हलोपा की तरफ से अपने उम्मीदवार उतारे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।